प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अध्यक्षता में वी नीति आयोग री शासी परिषद री आठवीं बैठक बरस 2047 ताई भारत ने एक विकसित राष्ट्र बनावा में टीम इंडिया री भूमिका माते करियो गयो मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले भारत रा नवा संसद भवन रो करेला उद्घाटन, संसद भवन निर्माण कर्मयोग्या रो वेला सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली केंद्र सरकार रा 9 बरस पूरा होबारी उपलक्ष्य माए नवी दिल्ली रा विज्ञान भवन माए डीडी राष्ट्रीय कॉन्क्लेव राखी जी केंद्र सरकार री 9 बरसारी उपलब्धियां और योजना वारा बारा में दी गई जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वास्थ्य और स्वच्छता दिवस रे मौका माते जयपुर में आयोजित करियो गयो राज्य स्तरो कार्यक्रम। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश महिलावा ने जाग जगाबा खातर हेल्पलाइन नंबर करिया जारी। अरे प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभरा प्रभाव सु कई जिला में आंधी तूफान सु तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग 31 मई ताई धूल भरी हवावारे साथे बरसात और ओलावृष्टि री दीनी चेतावनी। नमस्कार, दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं आपरे सागे पुलकित और अबे खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अध्यक्षता में आज नीति आयोग री शासी परिषद री आठवीं बैठक नवी दिल्ली में हो रही है। इन बैठक में बरस 2047 ताई भारत ने एक विकसित राष्ट्र बनावा में टीम इंडिया री भूमिका माते मंथन करियो जा रियो है। बैठक में देश रा सगला राज्य रा मुख्यमंत्री हिस्सो ले रिया है। इनमें सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योगा ने बल देबा, बुनियादी ढांचा और निवेश, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण विकास और खेतर विकास समेत कई बिंदुआ माते मंथन करियो जा रियो है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक शुरू हो गई है। बैठक में विकसित भारत के रोडमैप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। नीति आयोग के चेयरमैन होने के नाते प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक की थीम विकसित भारत एट 2047 टीम इंडिया की भूमिका रखा गया है। बैठक में विकसित भारत का रोडमैप तैयार करने के लिए 8 प्रमुख मुद्दों पर फोकस किया जा रहा है। इनमें एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर व निवेश, नियमों को कम करना, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य व पोषण, कौशल विकास, गति शक्ति व सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भारत रा नुवा संसद भवन रो उद्घाटन कर इनने राष्ट्र ने समर्पित करेला। इन दौरान तमिलनाडु रा पुजारी विधिवत पूजा सु सेंगोली परपना ने स्थापित करेला। इनरे साथे ही संसद भवन निर्माण माय लाग्या कर्मयोग्या रो सम्मान भी करियो जावेला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सेंगोलरी बयानबाजी माते पलटवार करिया है। अमित शाह ट्वीट कर संसद भवन रा उद्घाटन माते कांग्रेस रा रुख माते आपत्ति जताई। वटे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद भवन रा उद्घाटन रा मुद्दा माते राजनीतिक दलासु अपील करी है कि वे राजनीतिक लाभ हानि सु ऊपर उठर ऐतिहासिक पल रा साक्षी बने। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सिंगोल पर कांग्रेस की बयानबाजी पर पलटवार किया है। गृहमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस पार्टी भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इफरत क्यों करती है। भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के एक पवित्र द्वारा पंडित नेहरू को एक पवित्र सेंगोल दिया गया था, लेकिन इसे मामूली छड़ी के रूप में एक संग्रहालय में भेज दिया गया था। गृहमंत्री ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। एक पवित्र शैव मठ थिरुवदुथुराई स्वयं भारत की स्वतंत्रता के समय सेंगोल के महत्व के बारे में बात की थी। कांग्रेस अधिनम के इतिहास को झूठा बता रही है। कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है, और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे।
केंद्र माए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार रा 9 वर्ष पूरा हो बारा उपलक्ष्य माए नई दिल्ली रा विज्ञान भवन माए डीडी राष्ट्रीय कॉन्क्लेव रो आयोजन करियो गयो। सेवा सुशासन गरीब कल्याण विषय माते आयोजित इन कॉन्क्लेव ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव संबोधित करिया। वना केंद्र सरकार री 9 साल री उपलब्धियां और योजना बारे बारे माए जानकारी दी। किसी भी सरकार के लिए जब सत्ता मिलती है तो कुछ ना कुछ कर दिखाने का एक अवसर होता है और 9 वर्षों के बाद मैं कह सकता हूं, मैं तो एक गांव से आने वाला हूं, बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ, उसके बाद शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी अपने गांव से बहुत दूर जाना पड़ा, लेकिन जब मैं गांव की ओर देखता हूं तो मुझे आज से लगभग 10-11 साल पहले का किस्सा याद आता है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में, बारिश का मौसम था तो कहीं पहाड़ों में जो लैंडस्लाइड होती उसके कारण रास्ता रुका, एक गांव में हम लोग रुके तो 2-3 घर ही थे और बिल्कुल कच्चे, बिल्कुल जैसे झोंपड़ी टाइप वैसे बने हुए थे। वो स्थिति में भी नहीं थे कि किसी को चाय पिला सके, क्योंकि जो चूल्हा था ना, लकड़ी भी गीली और बाकी सब कुछ भी मिट्टी से बना हुआ, चूल्हा भी गीला हो गया था। थोड़ी देर में दिखा, बारिश में भीगती उनकी बेटी भागती आई, सिर पे लकड़ी उठा रखी थी तो एक ने पानी की गड़वी उठा रखी थी। मन ही मन में लगा कि मुझे तो अपने घर से दूर जाना पड़ा पढ़ने के लिए, लेकिन इनके लिए तो जीवन और भी कष्टदायक है। शायद 2012-13 का वो किस्सा मैंने भी कभी सोचा ना था कि भारत में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि आम जनमानस के जीवन में बदल जाएगा। अभी कोविड के समय जब मुझे उस क्षेत्र में वापस जाने का अवसर मिला, कुछ कार्यक्रम हमने किए, तो मैंने कहा मैं उस साल यहाँ पर आया था तो यहाँ तो कच्चे मकान थे, वो कहाँ चले गए। तो बेटी भी 10 साल के बाद बहुत बड़ी हो गई थी, स्कूल की बजाय कॉलेज जा रही थी, वहाँ झोंपड़ी नहीं थी, वहाँ एक पक्का मकान था, घर पे नल का कनेक्शन था, एलईडी के बल्ब जगमगा रहे थे और कहीं ना कहीं उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, उस पर चाय का तैयारी भी हो रही थी। जो सोचा ना था वो पिछले 9 वर्षों में बदला है। जो देश गौरव से ऊपर उठ रहा था, जो देश मजबूती से आगे जा रहा था, वो देश फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में आ गया। साथियों, ऐसी परिस्थितियों में इस देश की कमान संभाली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में। एक नया थॉट प्रोसेस लेके आए, सोच में परिवर्तन हुआ, देश का विजन चेंज हुआ, देश में काम करने का तरीका बदला। जो 60 वर्षों तक देश में गरीबों को केवल एक वोट बैंक की तरह माना जाता था, गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, कई सारे स्कीम्स बनाए जाते थे, कुछ कुछ तो ऐसी स्कीमें थी IRDP जिसमें लोग बोलते थे कि इतना रुपया तो डुबोना पड़ेगा, ऐसी परिस्थितियां थी, उन सब में परिवर्तन लाया गया। गरीबों का एम्पावरमेंट, गरीबों को लाइफ में, गरीबों की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, एक क्वालिटेटिव चेंज, एक परमानेंट चेंज, इस तरह के प्रोग्राम लाए, इस तरह के कार्यक्रम और उन सब की डिलीवरी, ग्रास रूट्स पे उनकी डिलीवरी, ये बहुत बड़ा चेंज आया थॉट प्रोसेस में, ये बहुत बड़ा चेंज आया डिलीवरी में। बड़ी से बड़ी आपदा भी आई, उसके ऊपर मोदी जी ने एक फिलॉसफी से काम किया, पाई पाई से गरीब की भलाई। आज अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वास्थ्य और स्वच्छता दिवस है। इन मौका माते जयपुर जालाना स्थित महिला अधिकारिता निदेशालय माए राज्य स्तरो कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम माए महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश महिलाओं से जुड़िया के मुद्दा माते बात करी, साथे वे महिला जागरूकता हेल्पलाइन नंबर भी जारी करिया। कार्यक्रम माए वे कहो कि महिला व आपरा स्वास्थ्य रो ध्यान रखकर आपरा परिवार ने बेहतर तरीका से संभाल सके है।
वैसे भी आई एम शक्ति उड़ान योजना एक बहुत ही फ्लैगशिप बड़ी योजना हमारी चल रही है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को हम लोग सैनिटरी पैड से देके उनको सुविधा दे रहे हैं अपनी स्वास्थ्य के प्रति चिंता करने की। ये जो इशू है ये अपने आप में बहुत सेंसिटिव इशू है। राजस्थान को बहुत रूढ़िवादी प्रदेश कहा जाता था, महिलाएं आगे बढ़ के इस बारे में चर्चा नहीं करती थी, महिलाएं आगे बढ़ के अपनी समस्याओं को बताती नहीं थी। और अगर हम महिलाओं की बीमारी का रेशो देखें तो 60 से 65% महिलाएँ माहवारी स्वच्छता नहीं रखने की वजह से गंभीर रोगों से ग्रसित हो जाती। मैं कहना चाहूँगी प्रदेश की सभी महिलाओं को, जो आधी आबादी है अपनी, उस आधी आबादी का पूरा हक हमें लेना है, शिक्षित बनना है, स्वस्थ रहना है और माहवारी स्वच्छता के विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारे पूरे परिवार की रीढ़ की हड्डी है। आज हम, मैं महिला हूँ, हम सब महिलाएं अपनी फैमिली को संभालती हैं। अगर हम ही स्वस्थ नहीं रह पाएंगे तो हमारे परिवार अस्वस्थ और असुरक्षित हो जाएगा। तो हमारे परिवार की चिंता करने के लिए, परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, परिवार की तरक्की और उन्नति के लिए आप माहवारी स्वच्छता को तमाम चीजें उपयोग में लीजिए, माहवारी स्वच्छता का ध्यान रखिए जिससे आप स्वस्थ रह सकें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकारी 100% फंडिंग वाली योजना है। योजना के तहत सगला भूमि धारक किसान ने 3 समान किश्ता माए 6,000 रुपया प्रति वर्ष सहायता प्रदान करिया जावे है। यह योजना जयपुर जिला रा बस्सी क्षेत्र रा किसाना खातर अत्यंत उपयोगी साबित हुई है। योजना रे तहत आवण वाली राशि सीधा खाता माए आबारे कारण किसान खेती रा कामा माए इनरो सीधो उपयोग कर सके है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी साहब अपने इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किसानों के लिए बहुत बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लाए हैं। अति उत्तम योजना है किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना से किसानों के कई समय खाद बीज लाने के लिए और अन्य कार्यों के लिए ये पैसा किसान संबंधित कार्यों के लिए बहुत काम आया है। साल में 3 बार पैसे आते हैं तो साल में 6,000 रुपये आ जाते हैं। इससे किसानों को बहुत लाभ हुआ है और आर्थिक स्थिति में इससे फायदा हुआ है। किसानों को बढ़िया काम, जो छोटा किसान के लिए बढ़िया सरकारी योजना दे मिली, 6,000 रुपये आ रहा है और खाद बीज लिया हुआ, कोई कन मांगना कौन पड़े पीसा पीसा। हाँ, प्रधानमंत्री सम्मान जी को बहुत बहुत बधाई है। ये काश्तकार के लिए सालाना की 3 किस्त आती है, 2,000 रुपये हर काश्तकार के, गरीब काश्तकार के खाद बीज में काम आता है। बहुत बहुत माल्यो प्रधानमंत्री को धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले आकाशवाणी पर मन री बात कार्यक्रम में आपरा विचार साझा करेला। यो इन मासिक रेडियो कार्यक्रम री 101वीं कड़ी वेली। इन कार्यक्रम ने आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला नेटवर्क माते सुनियो जावेला। हिंदी प्रसारण रे पछे इनरा क्षेत्रीय भाषावा माए प्रसारित करियो जावेला। देश रा पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू री आज 59वीं पुण्यतिथि है। इन मौका माते प्रदेश भर माए कई कार्यक्रम रख्या गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वारी पुण्यतिथि माते फूल चढ़ाने वाने याद करिया। मुख्यमंत्री आपरा ट्वीट संदेश माए कहो कि देश री स्वतंत्रता और नव भारत रा निर्माण माए वणारा योगदान रो संपूर्ण राष्ट्र ऋणी है। जयपुर राम निवास बाग माए पुष्पांजलि कार्यक्रम माए शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष रफीक खान समेत पंडित नेहरू री मूर्ति माते पुष्प अर्पित करिया गया। झुंझुनू माए पंडित जवाहरलाल नेहरू री पुण्यतिथि माते पुष्पांजलि कार्यक्रम रखियो गयो। कलेक्टर डॉ. कुशाल यादव समेत प्रशासनिक अधिकारी नेहरू पार्क स्थापित पंडित जवाहरलाल नेहरू री प्रतिभा माते पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दीनी। इन दौरान 2 मिनट रो मौन राखर पंडित नेहरू ने याद करियो गयो। इन मौका माते जिला कलेक्टर डॉ. कुशाल यादव कहो कि आमजन ने पंडित नेहरू रा जीवन सु प्रेरणा लेनी चाहिए। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी को आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं।
और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सब उनको याद कर रहे हैं और उनके विचारों से प्रेरणा ले रहे हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री, और यूँ कहूँ कि इस देश को बनाने वाले आधुनिक निर्माता के रूप में सदियों तक याद किए जाते रहने वाले हमारे प्रिय और पूरी आवाम के महबूब नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आज हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और मुझे आज उनकी वो कही भी बात याद आती है जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कही थी। प्रधानमंत्री बनते उनका जो प्रथम उद्बोधन था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं मेरे आवाम से कहना चाहता हूँ कि वो मुझे उसी नेहरू के रूप में याद रखें जो आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष कर रहा था। और निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री एक संवैधानिक व्यवस्था के रूप में बना हूँ, लेकिन मैं इस जनता का सेवक कहलाना पसंद करूँगा। केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय री वरिष्ठ न्यायाधीश ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने राजस्थान उच्च न्यायालय रो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करियो है। वे जुलाई 2008 में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में नियुक्त हुई ही। उल्लेखनीय है कि राजस्थान उच्च न्यायालय रा मुख्य न्यायाधीश रिया पंकज मित्तल ने सर्वोच्च न्यायालय नियुक्त करवारे पछे यो पद खाली चाल रो हो। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ एक दिवसीय दौरा माते है। बूंदी पुग्या अरवे लंबा टाइम सु बंद पड़ी आरटीडीसी होटल रो जायजो लेना। इन मौका माते वे कहो कि आरटीडीसी रा होटल ने बेगी शुरू करियो जावेला, साथ ही कहो कि बूंदी माए पैलेस ऑन व्हील्स रुकबा वारा प्रयास भी करिया जावेला। इनसु कोटा और बूंदी माए पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन रुकबा सु पर्यटका माए आबारो दायरो बढ़ेला। पहला ट्रिप लेके मैं आया पैलेस ऑन व्हील, तब बूंदी स्टेशन पे कभी नहीं रुकी, मैंने वो ट्रेन को रोकी। अब उसका हम पूरी स्टडी कर ली है कि हम एक नया रूट और बना रहे हैं जिसमें कोटा बूंदी और जो भी सर्किट बन रहा है हमारे पैलेस ऑन व्हील का, क्योंकि पैलेस ऑन व्हील हम 1982 से चला रहे हैं, उसमें बूंदी का ठहराव भी नहीं था, कोटा का ठहराव भी नहीं था, इवन अजमेर का ठहराव भी नहीं था। तो हमारा ये कोशिश है एक नया रूट बना के जिसमें कोटा भी आ जाए, बूंदी भी आ जाए, अजमेर भी आ जाए, ये तीनों शहर कैसे जुड़े इसकी हमने मोटा मोटी उसके लिए हमने लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर लिया है, जल्दी इसके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। शादी ब्याह में अनावश्यक खर्चा और समाज ने मुख्य धारा से जोड़वा खातर आगामी 30 महीने जयपुर सिद्धिपीठ बैनाड़ा धाम बस्सी में सामूहिक विवाह सम्मेलन रखो जावेला, जिनमें राज्य का कई जिला से वर वधु परिणय सूत्र माए बदलेला। परिणय सूत्र बनने जा रहे हैं और लगभग इस कार्यक्रम में 25,000 से 30,000 लोग जो है अपनी वो भाग लेंगे। राजस्थान के अलावा यूपी, एमपी, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र के लोग भी जो है वो इसमें भाग लेंगे। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में परिणय सूत्र में बंधने वाले जोड़ों को भामाशाहों के द्वारा 51 आइटम जो है कि नहीं वो अपनी ओर से मासवा के माध्यम से उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जयपुर मिलिट्री स्टेशन माए सप्तशक्ति कमान कानीसू वीर नारिया और मारा टाबरा खातर रोजगारों मुनख प्रशिक्षण सेमिनार राखी जी। यो वीर नारिया अरवणारा आश्रिता खातर व्यवस्थित प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम तैयार करियो गयो, जिन माए इग्नू कानीसू मान्य डिग्री दी जावेली। कार्यक्रम माए आवा सप्तशक्ति कमान री क्षेत्रीय अध्यक्ष शकुंतला राजू समेत आवारी कई प्रतिनिधि और नताशा मेहता कार्यक्रम रो संचालन करिया। 12th के बाद बच्चे पास आउट होते हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम है, उसका नाम है स्टेप प्रोग्राम। वो प्रोग्राम उनको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स के साथ, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो अपनी रुचि के हिसाब से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। आज हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम करा है जहाँ पे वीर नारीज आई हैं, उनकी फैमिलीज आई हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, उस प्रोग्राम के बारे में उनको अवगत कराया और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस बार हम वीर नारीज, जो हमारी ब्रेव इंडियन फौज की वीर नारीज हैं, उनके लिए एक रोज़गार का अवसर लेके आए हैं। अभी हाल ही में सोमवार को हमने उनके सारे फौजी बच्चों के लिए जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में बताया था। वीर नारीज के लिए हम चाहते हैं कि ओबेरॉय होटल्स में वो सोचें कि होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रोज़गार के लिए आगे आएं, तो हम इनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये अवसर देना चाह रहे हैं, और इनके लिए ही नहीं इनके बच्चों के लिए भी जो ग्रेजुएट्स हैं। तो इस दिशा में
हमें बहुत सपोर्ट मिला है। जैसे कि हमें इनकी तरफ से दिया जा रहा है कि आप होटल में किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम क्यों ना इसमें जाएं, हमारे लिए ही फायदा होगा इस चीज का, तो बिल्कुल हर जाना चाहिए। बूंदी जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी रो नवाचार कॉफी विद कलेक्टर विद्यार्थियों ने खूब भारियो है। कक्षा 12 रा परिणाम जारी हो बारे पचे वरियता माए आबा वाला विद्यार्थियों सु कॉफी विद कलेक्टर माए जिला कलेक्टर चर्चा करी। कार्यक्रम में दौरान विद्यार्थी जिला कलेक्टर सु सवाल जवाब भी करिया। कलेक्टर कहा कि छात्र छात्रावारो यो एक एडो टाइम है जब मोटिवेशन री जरूरत हुए है। आज सरकारी स्कूल में पढ़ के जो अच्छे नंबर लेके आए हैं बच्चे, उन सबको आज आमंत्रित किया था। उनको आगे 3 साल बाद, क्योंकि करियर के बारे में गाइडेंस भी करना था, मोटिवेट करना था, और बूंदी ज़िले में जो अच्छे परफॉर्म करने वाले बच्चे और पेरेंट्स हैं उनको मोटिवेट करना था कि दूसरे लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। जानकर ये भी खुशी हुई कि बूंदी की बेटियों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं नंबर लाने। सकारात्मक कॉफ़ी विद कलेक्टर तो आपको पता ही है पूरे ज़िले में किस तरह से ये अच्छा चल रहा है, तो बच्चों को भी उसमें इंक्लूड कर लिया तो मुझे भी खुशी हुई कि पूरे ज़िले से फीडबैक आता है, स्कूलों में अच्छा पढ़ा रहे हैं, टीचर्स अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो उन सबको देखते हैं। सर ने हमें आज कॉपी विद कलेक्टर में बुलाया, बहुत अच्छा लगा। सर ने आगे के बारे में बताया कि लाइफ में आगे क्या करना है, मोटिवेट किया, IAS के एग्ज़ाम के बारे में बताया और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। मैंने 92% से टॉप किया है। मैं केशोरा पैटर्न से बिलोंग करती हूँ और आज कॉफी विद कलेक्टर में मैंने कलेक्टर साहब से बात की और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने बताया कि कैसे RS UPSC की परीक्षाओं में कैसे बैठते हैं, पहले कैसे गोल तैयार, मोटिवेशन मिली कि हमें आगे कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है उसके बारे में। हमें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अच्छे से हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए, हमें संतुष्ट किया, उससे बहुत खुशी हुई। सिनेमा रे इन हफ्ता माए इन बार बात करा हां फिल्म चल जिंदगी की। विवेक शर्मा निर्देशित आ फिल्म रोड ट्रिप माते बनी अनूठी फिल्म है। माना संवाददाता मुरारी गुप्ता री आ खास रिपोर्ट। नमस्कार, सिनेमा इस हफ्ते में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मुरारी गुप्ता। दोस्तों, हर बार हम किसी नई फिल्म की बात करते हैं, इस बार एक ऐसी फिल्म की हम बात करेंगे जिसका संबंध राजस्थान से है और जिसकी कहानी जरा अलग हटकर है। हम बात कर रहे हैं फिल्म चल जिंदगी, जो इसी हफ्ते रिलीज हुई है। उम्र चली जा रही थी अपना सफर तय करते करते और हम घर में बैठे ख्वाहिशों का बांध बना रहे हैं। म्यूजिक एंड बाइक आर माय पैशन, तो वो बांध मैंने तोड़ दिया। फिल्म में दो कलाकार हैं जिन्होंने डेब्यू किया है, इसके अलावा संजय मिश्रा इसके बड़े जो सीनियर मोस्ट कलाकार हैं उन्हें कह सकते हैं। इस फिल्म की जो कहानी है वो ज़रा अलग हटकर है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह फिल्म रोड ट्रिप पर बनी हिंदुस्तान की पहली फिल्म है। हालांकि ऐसी फिल्में पहले भी बनी है, लेकिन शुद्ध रूप से बाइक पर यात्रा करने वाली कहानी को लेकर यह पहली फिल्म बनी है चल जिंदगी। फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो ये चार ऐसे करेक्टर की कहानी है जो अलग अलग अपनी जिंदगी के जो सपने हैं उन्हें साकार करने के लिए एक यात्रा पर निकलते हैं। जिसमें एक 60 वर्ष का पेंशनर है, एक 23 वर्ष की लड़की है जो संगीत में कुछ अलग ढूंढने की कोशिश कर रही है, अमेरिकी सिंगर है, भारत में कुछ नया कंटेंट जनरेट करने के लिए वो यात्रा की है, एक 10 वर्ष का बालक है और एक 23 वर्ष का कॉलेज यूथ है। ये लोग अपनी अलग जिंदगी में अलग अलग काम करते हैं, काम करते करते एक लद्दाख लेह की यात्रा का प्लान करते हैं। चारों जो करेक्टर हैं अलग अलग यात्रा करते हैं और एक पॉइंट पर जाकर मिलते हैं। मेरा नाम छोटू राणा। हाजी चिड़िया, हाजी तोता, अरे मैना। इसके बाद उनकी जो सामूहिक यात्रा आगे बढ़ती है लेह लद्दाख की तरफ, उस दौरान जो उनको अनुभव होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो ही इस पॉइंट की कहानी है। क्या सही और क्या गलत, जीवन के सफर में चलता रहा सब। फिल्म के निर्देशक
राजस्थान से जुड़े हुए हैं विवेक शर्मा, उन्होंने ही फिल्म को प्रोड्यूस किया है और उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी भी विवेक शर्मा ने लिखी है। विवेक शर्मा कहते हैं कि यह पहली फिल्म है जो पूरी तरह रोड ट्रिप पर बनी हुई फिल्म है और निश्चित रूप से एक बड़ा दिलचस्प इसकी कहानी उन्होंने लिखी है। फिल्म की संगीत की बात करें तो फिल्म का जो म्यूजिक है वो भी राजस्थान का एक बैंड है लॉस्ट सिंबल, उन्होंने दिया है। प्रदेश में लारला तीन दिना सु लगातार वेरी आंधड़ बारिश और ओलावृष्टि सु आम जनजीवन अस्त व्यस्त वे गयो है। तेज आंधी और तूफान रे कारण लोगारा घरारा शेड उड़ गया, मकाना पेड़ारा गिरबा और बिजली गिरबा रे कारण राज्य माए 17 लोगारा मरबारी जानकारी मिली है। वटे ही ओलावृष्टि सु फसलारो नुकसान भी वियो है। बूंदी जिला कलेक्टर डॉक्टर रविन्द्र गोस्वामी सगला उपखंड अधिकारियों ने आप आपरा इलाका माए नुकसान रो सर्वे करवाणारी रिपोर्ट ने शीघ्र जमा करबारो हुक्म दियो है। लारला दो दिना सु हो रही बारिश सु प्रदेश माए अधिकांश ठोरा माते तापमान माए गिरावट आई है। प्रदेश रा ज्यादातर इलाका माए दिन रा तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रे आरएसआर रिकॉर्ड करियो गयो, वटे न्यूनतम तापमान माए भी गिरावट दर्ज करी जी। इनरे साथे ही मौसम विभाग 31 मई ताए धूल भरी हवावा रे साथे बारिश और ओलावृष्टि री चेतावनी जारी करी है। मौसम विभाग रे मुजब इन दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार सु हवावा चाले ली। इनरे बीच जयपुर समेत प्रदेश रा कई जिला माए आंधी और बारिश रे कारण जनजीवन प्रभावित रियो। मोटी मोटी खबरा एकर फिर सु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अध्यक्षता माए वी नीति आयोग री शासी परिषद री आठवीं बैठक। बरस 2047 ताई भारत ने एक विकसित राष्ट्र बनाबा माए टीम इंडिया री भूमिका माते करियो गयो मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले भारत रा नुवा संसद भवन रो करेला उद्घाटन, संसद भवन निर्माण कर्म योग्या रो भी वेला सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली केंद्र सरकार रा 9 बरस पूरा होबारे उपलक्ष्य माए नवी दिल्ली रा विज्ञान भवन माए डीडी राष्ट्रीय कॉन्क्लेव राखी जी। केंद्र सरकार री 9 बरस री उपलब्धिया और योजना वारा बारा माए दी गई जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वास्थ्य और स्वच्छता दिवस रे मौका माते जयपुर माए आयोजित करियो गयो राज्य स्तर रो प्रोग्राम। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश महिलावा ने जाग जगाबा खातर हेल्पलाइन नंबर करिया जारी। और प्रदेश माए पश्चिमी विक्षोभ रा प्रभाव सु कई जिला माए आंधी तूफान सु तापमान माए आई गिरावट। मौसम विभाग 31 मई ताए धूल भरी हवावारे साथे बरसात और ओलावृष्टि री दिनी चेतावनी। दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार माया बारी तो नमस्कार।